लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के मंथन के बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने लालचंद कटारिया के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि कटारिया का इस्तीफा देखा ही नहीं है, वो तो धार्मिक यात्रा पर गए हैं। उनके इस्तीफे को लेकर बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है, क्योंकि भ्रांति फैलाने का अधिकार हर किसी को है। चौधरी यही नहीं रुके और बोले कि इस घटनाक्रम के चलते सरकार की छवि पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, साथ ही राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। पार्टी की हार पर चौधरी ने कहा कि इस पर सभी की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, मैं दिल्ली आया हुआ था। मैंने संगठन के अंदर दिल्ली के अंदर काफ़ी वक्त काम किया और मुझे पता चला सीएम साहब यहाँ आए हुए तो एक शिष्टाचार भेंट थी। नागौर के और खास तौर से जाट नेता यहाँ मुलाकात करे, हुड्डा से मुलाकात हुई, ज्योति मिर्दा आई, रामनंदन दास गवाड़ी आए, कैसा होता है आप आए, तमाम जो नेता बैठे, इसका कोई खास मतलब नहीं? ये जाट ने शब्द ही जाटों का सबसे विरोधी, जाट नेता कभी भी नहीं रही हम लोग। हम लोग कोई किसान नेता है, कोई कांग्रेस के नेता है, ये हम लोगों के एक विरोध के अंदर हमारे विरोधियों ने हमारे ऊपर ये टैग लगा रखा कि जाट नेता, तो जाट नेता के रूप के अंदर ये कोई शब्दकोश ही नहीं है, राजनीतिक शब्दकोश ही नहीं है। तो ये कांग्रेस नेता हो सकते हैं, कोई किसान नेता हो सकते हैं, तो नई तरह से परिभाषा मेरी समझ से परे है। राहुल गांधी ने सर जो हार हुई है उसकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी किसी की तय होनी चाहिए या हुई है क्या? नहीं, लोकसभा के चुनाव के अंदर जो हार हुई है हम लोग सब इसके प्रति जो है जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जो कमियां रही है वो कमियां पता कर हम लोग अपने आप को इस कमियां